जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, त्योहारों पर यात्रियों की आगमन बहुत सारी ढेरों संख्या में बढ़ रही है, जिसके चलते जितनी भी ट्रेनें अभी तक चल रही हैं या फिर जितनी भी ट्रेनों का चलाने की ऐलान हो रही है, वो सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बहुत हो रही है। इसके चलते इस वेटिंग लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए रेलवे नई ट्रेनों की ऐलान कर रही है। किसी भी समय ये ट्रेन ऐलान कर देती है, जिसके चलते कई यात्री इसमें यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उनको समय पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के चलते वो लोग भी इसमें यात्रा करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा कि किसी भी ट्रेन का ऐलान होता है तो उसमें टिकट बुकिंग के लिए इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप उसमें यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, बताएंगे आपको कौन सी ट्रेनें हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेन है पुरी से सहरसा के लिए चलने वाली है और पुरी से 8 नवम्बर को चलेगी और मात्र एक ट्रिप ही चलेगी, मात्र एक फेरे ही चलेगी और पुरी से 22:15 पर रवाना होगी और भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, बिलासपुर, हिजली, आगरा, आसनसोल, मधुपुर, झांसी, झाझा, किउल, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया के रास्ते सहरसा तक जाएगी, जो 20 बजे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इसका भी टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है। इसका भी टिकट आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन जो है मधुबनी के लिए है, यानी कि ये जयनगर नहीं जाएगी, सिर्फ मधुबनी तक ही जाएगी। पुरी से मधुबनी, ये पुरी से खुलेगी 7 नवंबर को यानी आज ही के दिन और ये पुरी से 11:30 पर रवाना होगी। इसका टिकट भी बुकिंग शुरू हो चुका है और जाएगी भुवनेश्वर, कटक, आसनसोल, मधुपुर, झांसी, झाझा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा के रास्ते मधुबनी तक जाएगी, जो मधुबनी पहुंचेगी 8 नवंबर को और मधुबनी पहुंचेगी 10 बजे सुबह को। दोस्तों, इसका भी टिकट बुकिंग आप कर सकते हैं। आगे जो ट्रेन है दरभंगा के लिए है, जो चलने वाली है विशाखापत्तनम से, जो चलेगी 11 नवंबर को और दोस्तों इसका भी टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है। इसका भी टिकट आप ले सकते हैं। 11 नवंबर को बुधवार को ये चलेगी सुबह को 0:30 पर, जो जाएगी विजयनगरम, रायगढ़, टिटिलागढ़, बलनगीर, बरगढ़ रोड, संबलपुर, झारसुगड़ा, राउरकेला, सीनी जंक्शन, पुरुलिया, आसनसोल, मधुपुर, जासीडी, झाझा, किउल, बरौनी, समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा तक जाएगी और वहीं दरभंगा 12 नवंबर को पहुंचेगी गुरुवार को और 5 बजे शाम को पहुंचेगी। एक बात और दोस्तों, ये सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित ट्रेनें हैं, बिना कंफर्म टिकट के आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी वो ट्रेनें जो चलने वाली है, जिसका बुकिंग भी शुरू हो चुका है। करते हैं, सारी जानकारियां मिल गई होंगी इस ट्रेन से संबंधित। यदि आपके पास फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।